आपको आप लोग जब यहाँ पर कह कि यहाँ नहीं पढ़ना, तो पढ़ना तो रुकी यहाँ पर आ रहे, जैसे बोले पढ़ से लिखे आप इतनी जल्दी लिखोगे तो आप उतनी जल्दी स्टार्ट होगी। फिर मैं भी क्या मोबाइल चलाता बैठ जाता है। सोए जी, टुडे वी टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। क्या पढ़ रहे था? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। टुडे टॉपिक इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक? व्हाट इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर दोस एंटीबायोटिक व्हिच हैव बीटा लैक्टम रिंग। क्या होता है इसमें? इट हैज बीटा लैक्टम रिंग। बीटा लैक्टम रिंग होने के कारण इस एंटीबायोटिक्स को क्या बोलते हैं? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। कोई डाउट? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर फोर टाइप्स। कितने प्रकार की होती हैं? फोर टाइप्स की होती हैं। सर कौन कौन सी? सबसे पहला है पेनिसिलिन। क्या है बेटा? पेनिसिलिन। दूसरा है सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन। फिर है मोनोवेक्टम। मोनोवेक्टम। और लास्ट है कार्बापिनिन। ध्यान से सुनिए, दीज ऑल आर कम्स अंडर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ओके, दीज एंटीबायोटिक, दीज एंटीबायोटिक आर पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोवेक्टम एंड कार्बापिनिन। ये जो मोनोवेक्टम है और कार्बापिनिन है, बोथ आर न्यूअर ड्रग। ये कौन से ड्रग है? न्यूअर ड्रग है, क्योंकि अभी डॉक्टर अभी जनरली इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते, बहुत रेयर कंडीशन में, एडवांस कंडीशन में ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। यस, हम हमारी क्लिनिक में कौन सी एंटीबायोटिक लिख रहे हैं? या तो पेनिसिलिन या सिफेलोस्पोरिन। कोई डाउट? कोई पूछना चाहते हैं? यस, सो लेट्स स्टार्ट पेनिसिलिन इन डिटेल। यस, एज यू ऑल नो दैट पेनिसिलिन फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक थी। यस और नो? ये जितनी भी एंटीबायोटिक हमको मिली उसमें सबसे पहले कौन सा डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक साइंटिस्ट थे। यस, उन्होंने इसको फंगस से, कहां से? फंगस से इसको ऑब्टेन किया था। यस और नो? ठीक है, पेनिसिलिन किस फंगस से पहली बार हमको मिला था? तो ये मिला था पेनिसिलिन नोटेटम। किससे बेटा? पेनिसिलिन नोटेटम। यस, बट कमर्शियली जब हमको लार्ज अमाउंट में चाहिए था, तब हमने इसको फिर कहां से प्राप्त किया, कहां से ऑब्टेन किया? पेनिसिलिन कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलिन क्राइसोजिना। क्राइसोजिना ये कमर्शियली ऑब्टेन। यस, क्या बता रहे हैं पहले सुनिए। यस, पेनिसिलिन फर्स्ट टाइम ऑब्टेन फ्रॉम फंगस। द फंगस नेम वाज पेनिसिलिन नोटेटम, बट कमर्शियली इन द लार्ज स्केल जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हमको लगी, तो हमने इसको कहां से प्राप्त किया? पेनिसिलिन क्राइसोजिना। यस, पेनिसिलिन दी ऑल आर एंटी बैक्टीरियल ड्रग। कौन से ड्रग है बेटा? मैंने आपको पहले ही प्रीवियस लेक्चर में बताया, अभी हम लोग क्या है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग पढ़ रहे हैं। सर, ये ड्रग फंगस से मिल रही है और बैक्टीरिया को मार रही है। यस, तो सुनना कैसे, हमने मेडिकल साइंस का यूज कैसे किया, कैसे यहां नॉलेज अप्लाई करा?
बैक्टीरिया भी हमारे ऊपर बीमारी कर रहे थे और फंगस भी हमारे ऊपर बीमारी करती है। अब दोनों यदि आएंगे, सबको हम उनका फूड है, क्या है क्या खाना है उनका, तो वो दोनों अटैक करेंगे एक साथ। अब खाना किसको मिलेगा, जो शक्तिशाली हो। यस और नो? तो बैक्टीरिया को मारने के लिए फंगस कुछ पॉइजन कुछ एंजाइम सब्सटेंस रिलीज करेंगे, यस और नो, जिससे बैक्टीरिया मर जाएंगे। और जब बैक्टीरिया मर गए तो खाना किसको मिलेगा, फंगस को। बारह समझ में, ये नेचुरली होता है। हमने इसको क्या करा, इस पेनिसिलिन को हमने फंगस से लिया और पेशेंट को जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, जिसको बैक्टीरिया से बीमारी थी, उसको दवाई के रूप में दे दी। उससे क्या हुआ, बैक्टीरिया मर गया। सर बेटा फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, नहीं आपने फंगस नहीं दिए, जो फंगस का जो एक्सट्रैक्ट है, जो केमिकल सब्सटेंस है, सिर्फ वो दिया। गेटिंग ऑन नाउ, समझ में आ रहा है, ये फंड है पेनिसिलिन, कोई डाउट नहीं, बढ़ जाए आगे। यस, कमर्शियली पहली बार पेनिसिलिन 1941 में क्लिनिकली यूज हुई थी। यस, ये पहली बार कब दी गई थी पेशेंट को, 1941 में। कोई डाउट आ रहा है समझ में, पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन को कुछ डिटेल सुन लो आप, जो पेनिसिलिन है ना, ये पेनिसिलिन जो हमको नेचुरली ऑब्टेन हुई थी, यस, वो पेनिसिलिन जैसे हमने पेशेंट को दिया, पेशेंट के स्टमक में एससीएल निकला, क्या निकला बेटा, वो एससीएल से क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, क्या हो गई, आ रहा है समझ में, आ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं अपन, यहाँ लेके जाते हैं, जो नेचुरल पेनिसिलिन हमको मिली, जो नेचुरल पेनिसिलिन हमको मिली फंगस से, उसका नाम था बेंजाइल पेनिसिलिन, क्या नाम था बेटा, आ रहा समझ में, नहीं वो प्लेन पेनिसिलिन था, यस, ये नेचुरली ऑब्टेंड है, यस। पर जैसे ही हमने पेशेंट को दिया तो ये स्टमक में गई, स्टमक में क्या था, एससीएल, क्या था बेटा, और जैसे ही एससीएल के कांटेक्ट में आई, पेनिसिलिन डिस्ट्रॉय हो गई, क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। कोई डाउट, जब पेनिसिलिन डिस्ट्रॉय हो गई मतलब मोस्ट ऑफ दी ड्रग क्या हो गई, खराब हो गई, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, नेचुरल पेनिसिलिन या एसिड सेंसिटिव पेनिसिलिन और नेचुरल पेनिसिलिन, यस और नो, ये एसिड सेंसिटिव बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, वो ड्रग का नाम था पेनिसिलिन, कोई लाओ, आ रहा है समझ में, यस। फिर हमने कमर्शियली क्या, फिर हमने कमर्शियली या आर्टिफिशियली हमने कुछ चेंजेस करे, आ रहा समझ में, जो कमर्शियली हमने जो प्रोड्यूस करा आर्टिफिशियली, यस, वो ड्रग हमने क्या बनाई, वो ड्रग बनाई एसिड रेसिस्टेंट अल्टरनेट टू पेनिसिलिन जी, ये पेनिसिलिन जी है, बिल्कुल सही बताया गया था, जी मतलब बेंजाइल पेनिसिलिन, क्या नाम बेटा, बेंजाइल पेनिसिलिन, क्या नाम ड्रग का, बेंजाइल पेनिसिलिन। एनी डाउट, हमने ड्रग बनाया, वो ड्रग कौन सी थी बेटा, एसिड रेसिस्टेंट अल्टरनेट टू पेनिसिलिन जी, कोई डाउट, यस। ये जो ड्रग थी, ये जो ड्रग थी, इस ड्रग का नाम था फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, क्या नाम था, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, कोई डाउट, पेनिसिलिन, ये बेंजाइल के कारण, पेनिसिलिन जी का दूसरा नाम पेन जी भी है, पेनिसिलिन, हाँ, फिनॉक्सी मिथाइल, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, कोई डाउट,
आज हमने क्या बताया था? हमने कमर्शियली आर्टिफिशियली कंसीडर बनाई ऐसे रेसिस्टेंट अल्टरनेट टू पेनिसिलिन की, ड्रग का नाम है फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। कोई डाउट? यस। फिर ये ड्रग अब आप खाली पेट दो या खाना खाने के बाद दो, कोई दिक्कत नहीं। और आसान। फिर इसके बाद क्या हुआ? बैक्टीरिया ने एक एंजाइम बना लिया। क्या बना लिया? बैक्टीरिया ने क्या बना लिया? एंजाइम। उस एंजाइम का नाम था पेनिसिलिनेज। क्या नाम था? पेनिसिलिनेज। सही। पेनिसिलिनेज क्या है? ये पेनिसिलिनेज एंजाइम इस पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर रहा था। क्या कर रहा था? डिस्ट्रॉय। मतलब हमारे पास फिर एक और आ रहा है। समझ में आया कि जो एसिड रेसिस्टेंट ड्रग थी अब ये किससे डिस्ट्रॉय होने लगी? किससे होने लगी? किससे होने लगी? पेनिसिलिनेज से। किससे होने लगी? पेनिसिलिनेज से। तो फिर डॉक्टर ने, साइंटिस्ट ने एक नई ड्रग बनाई और ड्रग का नाम था पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट। सही। समझ में आया? हमने फिर ऐसी ड्रग बनाई जो पेनिसिलिनेज एंजाइम से क्या है? रेसिस्टेंट है। कोई डाउट आ रहा है? सोए? यस। लिखेंगे नहीं बेटा, पहले समझेंगे, लिखने का टाइम दे दिया जाएगा। यस। पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट, इसमें जो ड्रग थी वो ड्रग का नाम है मेथिसिलिन एंड जो एंजाइम था वो इस ड्रग को क्या कर रहा था? डिस्ट्रॉय। तो हमने पेनिसिलिनेज एंजाइम इसमें इफेक्ट ना दिखा पाया, तो हमने कौन सी ड्रग बना दी? पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट। मतलब ये एंजाइम इस पे काम नहीं कर पाएगा। कोई डाउट? समझ में आया? हमारे पास और एडवांस ड्रग हमने पा लिए। आ रहा है आपको? आ रहा है आपका? नोट्स मैच होता है? हाँ ठीक है। थर्ड, इधर सुनिए। अब ये जो पेनिसिलिन ड्रग थी, ये जो पेनिसिलिन ड्रग थी, ये पेनिसिलिन ड्रग मेनली किस पे काम करती है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। किस पे काम करती है बेटा? ग्राम पॉजिटिव। सर क्यों करती है? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मेनली पेप्टिडोग्लाइकन होता है। क्या होता है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकन क्या करता है? सेल वॉल बनाता है। क्या बनाता है? सुनिए, ये सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करती थी। आई नाउ, तो ये जो ड्रग थी पेनिसिलिन, ये सिर्फ किस में काम करती थी? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसलिए इस ड्रग को नैरो स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है? नैरो स्पेक्ट्रम मतलब ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक टाइप के बैक्टीरिया को किल करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, इसलिए इसको बोलेंगे नैरो स्पेक्ट्रम। एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम दोनों को, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को मारेगा। आ रहा है समझ में? यदि कोई एक ग्रुप को किल हो रहा है तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नैरो स्पेक्ट्रम। यदि ये दोनों को मारेगी तो क्या बोलेंगे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो ये जो पेनिसिलिन थी बेटा, वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही किल कर रही थी, कोई डिस्ट्रॉय कर रही थी, इसलिए पेनिसिलिन का नाम आ गया नैरो स्पेक्ट्रम। कोई डाउट आया सामने? फिर हमने और इसमें एडवांसमेंट करा, हमने इसमें और एडवांसमेंट करा और हमारे पास फिर एक ड्रग आई, वो ड्रग थी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। क्या है बेटा? एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। सर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम मतलब ये जो ड्रग है ये मेनली ग्राम पॉजिटिव को मारती है, बट कुछ कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी मारती है। आ रहा समझ में? आ रहा है?
नैरो स्पेक्ट्रम क्या है, यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब या तो ये ग्राम पॉजिटिव को मानेगी या ग्राम नेगेटिव को। कोई डाउट आ रहा है? एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम मतलब, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम मतलब ये मेनली ग्राम पॉजिटिव को मानती है एंड फ्यू ग्राम नेगेटिव। क्लास आ रही समझ में? और जब ये बोथ दोनों को मारेगी तब इसको बनेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्या बनेंगे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक किल बोथ ग्राम पॉजिटिव प्लस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। गेटिंग और नो? आ रहा समझ में? तो यह देखिए आप, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन क्या है, ये जो पेनिसिलिन है ये ग्राम पॉजिटिव को तो मारती है, कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी मारती है। नाम क्या है? इसमें तीन कैटेगरी थी। कितनी कैटेगरी थी बेटा? तीन। तीन प्रकार के ड्रग इसमें आई। यस, पहली ड्रग थी जिसमें एमाइनो ग्रुप जुड़ा था तो नाम पड़ गया अमीनो पेनिसिलिन। क्या जुड़ गया बेटा? समझना है, पेनिसिलिन में आपने कौन सा ग्रुप जोड़ दिया? तो क्या नाम हो गया? अमाइनो पेनिसिलिन। यदि हमने कार्बोक्सी ग्रुप जोड़ दिया, कौन सा ग्रुप जोड़ दिया? तो नाम हो गया कार्बोक्सी पेनिसिलिन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और एक और ड्रग आई उसका नाम है यूरियो पेनिसिलिन। यूरियो पेनिसिलिन, यस। अमीनो पेनिसिलिन में जो ड्रग है वो तीन ड्रग है। कितनी ड्रग है? तीन ड्रग है। पहला ड्रग है उसका नाम है एम्पिसिलिन। क्या है बेटा? एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन एंड डेकाम्फेसिलिन। एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, डेकाम्फेसिलिन, ये तीनों ड्रग किसमें आती है? अमीनो पेनिसिलिन में। कितने लोगों को समझ में आया? और जो कार्बोक्सी पेनिसिलिन है इसमें दो आई, दोनों में कार्बा रहा। पहले का नाम है कार्बेनिसिलिन। क्या नाम है? कार्बेनिसिलिन। और दूसरे का नाम है टाइकार्सिलिन। क्या नाम है? टाइकार्सिलिन। आ रही है क्लास समझ में? आपको आ रही है? यस। और लास्ट में है यूरिडोसिलिन, यूरिडो पेनिसिलिन। इसमें नाम है पिप्रासिलिन। क्या नाम है ड्रग का? पिप्रासिलिन एंड विजिलोसिलिन। सर ये हम पढ़ क्या रहे हैं? एक्चुअली ये जो मैं आपको पढ़ा रहा था ये था क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। सर ये पहले क्यों नहीं बताए? यदि क्लासिफिकेशन बताते तो याद करने में फोकस करते। अब आपको धीरे से समझ में आया होगा कि एक्चुअली क्लासिफिकेशन बनता कैसे। यस सर मैम, पहला क्लासिफिकेशन में जो ड्रग थी वो थी नेचुरल ड्रग, फिर हमने आर्टिफिशियली बनाया वो एसिड रेसिस्टेंट थी, फिर पेनिसिलिनेज एंजाइम आ गया तो ये पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट हो गई, फिर हमने और एडवांसमेंट किया तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम आया जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड फ्यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी मारते हैं। एनी डाउट? यस। बहुत दिन तक डॉक्टर ये दवाई देते रहे, उसके बाद फिर रेसिस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ने एक और एंजाइम बना लिया, उस एंजाइम का नाम है बीटा लैक्टामेज। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है सोए? बीटा लैक्टामेज। बीटा लैक्टामेज एंजाइम इस पेनिसिलिन को क्या कर देता था? तोड़ देता था। क्या कर देता था? तोड़ देता था। आ रहा समझ में? तो हमने फिर एक और ड्रग बनाया, उसका नाम था बीटा